आर को सीखने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि बुक है, और आर के अंदर काफी ज्यादा बुक्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं आर स्टूडियो की वेबसाइट पे, जहां से आप सीख सकते हैं। और आपको किसी के मुरहूने मिन्नत रहने की या किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप रीडर अच्छे हैं। वो कौन कौन सी बुक्स हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो फ्री में अवेलेबल भी हैं बाय द वे। अच्छा जी, आपने जाना है आर स्टूडियो की वेबसाइट पे, आर स्टूडियो। यहां पे जाने के बाद इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पे देखेंगे कि आपके पास एक्सप्लोर एंड मोर है। लेट मी सी, मेरे पास इसकी विंडो जो है वो ज्यादा ही थोड़ी सी ओपन हो गई। प्रोडक्ट्स, लेट मी सी, वेबसाइट इन्होंने बहुत चेंज कर दी है। एंड ये हो गया सॉल्यूशंस, पाइथन, नो, लर्न एंड सपोर्ट में थी इनकी। रिसोर्सेज के अंदर व्यू ऑल, लेट मी सी, आर स्टूडियो बुक्स डायरेक्टली लिख लेते हैं, बुक्स आर स्टूडियो, ये आ गया। मुझे लिंक्स इनका याद नहीं था, रिसोर्सेज के अंदर ही बुक्स थी। तो ये है जी बुक आर फॉर डेटा साइंस, वन ऑफ द बेस्ट बुक हार्डली विकम की है। और ये बंदे को मैंने ट्विटर पे भी फॉलो किया हुआ है, ही इज वेरी नाइस गाय। एवरी डे या एवरी सेकेंड डे ही इज पोस्टिंग अबाउट आर, और ये टोटली फ्री है। जैसे मैंने लिखी है एबीसी ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वैसे ही आपको ये मिलेगी यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, आर क्या होती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये बुक जो मास्टर कर लेता है, बिलीव में उनके लिए आसानियां ही आसानी है। फिर है जी आर मार्कडाउन, और आर मार्कडाउन एक लैंग्वेज है बेसिकली, ये भी आर के अंदर ही यूज होती है, लेकिन मार्कडाउन का इसमें तड़का लगा होता है, ये भी हम देखेंगे आने वाले दिनों में। एंड देन द थर्ड बुक जो मेरी फेवरेट है वो है एंड आर पैकेजेस, ये भी अच्छी है, बट जी जी प्लॉट टू, दिस वन। अगर आप ये जी जी प्लॉट टू, ये मेरे पास आ रहा है, अमेजोन का लिंक आ रहा है, बट आई विल गिव यू द अदर लिंक एज वेल, मैंने अमेजोन से नहीं लेनी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जी प्लॉट टू बुक PDF, ये पड़ी है। क्या हाल है, ये इसकी बुक की हो अब नहीं, ये है जनाब द कोड बिहाइंड दिस बुक, समवेयर आई नो कि ये पड़ी हुई है, दिस वन, यस ये बुक है जो पूरी पड़ी हुई। सो यू कैन एक्चुअली लर्न दिस ग्राफ, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफ बनाने की ग्रामर क्या है, तो इसके अंदर वो सिखाई गई है। एंड देन आपके पास ये भी है जनाब आर ग्राफ ग्राफिक्स कुक बुक, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली आर फॉर डेटा साइंस मार्कडाउन लेटर ऑन में। एंड देन यू कैन ऑल्सो लर्न दिस जी जी ग्राफ जी जी प्लॉट टू, इसकी जो मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई है PDF पे, वो मैं उसका लिंक जो है वो आपको बाद में प्रोवाइड भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन या आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जो लोग लाइव सीख रहे हैं। सो ये बुक्स जो हैं ये आपके लिए तीनों बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ से आप आर सीख सकते हैं। इसके अलावा कोडेनिक्स के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोर्सेज में मैंने आर विद एम आर के नाम से एक प्रॉपर कोर्स जो है वो रखा हुआ है। अच्छा, मेरे से ही लोगन मांगना है इसने, ये है जी आर विद एम आर, और यहाँ पे आपको प्रॉपर पूरे का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा, और यहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी सीखने की है, यहाँ पे हमारी जो बाकी वर्कशॉप्स और जितनी भी वीडियोस हैं यहाँ पे मौजूद हैं, 617 लोग टोटली इस वक्त तक सीख चुके हैं जो इनरोल्ड हैं, इससे ज़्यादा ही सीखे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अभी जो इनरोल्ड हैं वो 617 लोग हैं। और इंशाल्लाह हम एक और कोर्स जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे, एंड देन यू विल सी मल्टीपल अदर रिसोर्सेज। अच्छा जी, ये तो होगी बुक्स। बुक्स के अलावा ट्यूटोरियल्स अगर आपने देखने हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप आर स्टूडियो ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल्स पे ले आएगा कैसे आपने सीखना है। एंड बिलीव मी, आप यहाँ से अपना जो लर्निंग पाथ है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और यहीं से आप मल्टीपल चीज़ें जो हैं आर से रिलेटेड सीख सकते हैं, बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। और ज़्यादातर जो ट्यूटोरियल्स बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि आपने क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए ज़रूरी हैं, फिर चीट शीट्स मौजूद हैं, फिर आपके पास चीट शीट्स के अलावा बुक्स मौजूद हैं, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो ये आर स्टूडियो के अंदर ही सारा कुछ दिया हुआ है, समवेयर हियर। ठीक है, राइट।
इस तरीके से आप नॉलेजेबल हो सकते हैं और आर को और भी एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, बिलीव मी, गो फॉर इट। मोस्ट ऑथेंटिक वे टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू एक्चुअली रीड द बुक्स। ठीक हो गया।